बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजी, मेरा नाम हकीम डॉक्टर काजी अफजल सिद्दीकी है। मैं बीएससी बीएचएमएस और एफटीजे पंजाब हूँ, और मैं असमें मामूल अपने यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातब हूँ, और नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम के तहत आपसे मैं अद्वियात के बारे में और अमराज के बारे में अक्सर गुफ्तगू करता रहता हूँ। आपको पता ही है कि आजकल मैं हिकमत पर वीडियोज ज़्यादा बना चुका हूँ, होम्योपैथी के बारे में काफ़ी सारी वीडियोज बना चुका हूँ, तो आजकल मैंने हिकमत का एक सिलसिला शुरू किया है, तो आइंदा भी इंशाल्लाह इसी इन्हीं मौजूद पर बनाया करूँगा और हिकमत से वाबस्ता रहकर बनाया करूँगा। तो आज का मौजू है जी सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग जो है उनको अपनी ज़बान में फुल बहरी भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ये एक दो छोटे छोटे दाग किसी भी जगह हो सकते हैं, आँख के नीचे हो सकते हैं, कान के पास हो सकते हैं, छोटे छोटे हो सकते हैं, एक रुपये जितने हो सकते हैं, एक पैसा जितने हो सकते हैं, और फिर कभी किसी जगह बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, अतः के पूरे जिस्म तक को भी बाज़ सूरत में कवर कर लेते हैं, या 50-60% तक बॉडी पे हो जाते हैं। लेकिन अक्सर अवकात शुरू में ये छोटे छोटे दाग होते हैं, तो शुरू में इसका इलाज करा लिया जाए तो ये बहुत बेहतर रहता है। अगर तो कपड़े के नीचे ये छुपी हुई जगह पर हों तो ये बुरे नहीं लगते, लेकिन अगर ये कपड़े के बाहर हों, हाथों पर हों, चेहरे पर हों, नाक कान के पास हों, या ऊँटों के पास हों, तो फिर ये काफ़ी दाग ये बदा लगता है, और बंदा खौफज़दा रहता है कि ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो पता नहीं कहाँ तक फैलेंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मछली खाकर दूध पीने से ये दाग बनते हैं, कुछ कहते हैं दूध के बाद खट्टी चीज़ें खाने से बनते हैं, कुछ हुक्मा हज़रात मुख्तलिफ अकवाल बयान करते हैं। लेकिन चलें, जो मैं मेरा आज का मकसद जो है वीडियो बनाने का, आपको इलाज के बारे में बताने का है। ये दाग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, जल्द पर सफ़ेदी भी पाई जाती है, और अगर सुई चुभोई जाए तो उसमें से खून के बजाय पानी निकलता है, या हल्का सुरखी मायल पानी निकलता है। एक आध हफ्ता में ये ठीक होने वाला मर्ज नहीं है कि आप चंद दिन दवाई लें और कहें कि मैं अभी तक ठीक नहीं हूँ, दोबारा आप हकीम डॉक्टर के पास चले जाएं, नहीं, इसके लिए महीनों लगते हैं, और कम अज़ कम 3 से लेकर 6 महीने तक का इलाज कम अज़ कम दरकार होता है। और बस के दाग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, लेकिन अगर दाग छोटे हों तो जल्द शिफायाबी की उम्मीद होती है, बड़े दाग हो जाएँ तो फिर वो वक्त भी ज़्यादा लगता है। हिकमत में बाबची एक दुआ है, बर्स के इलाज में इसकी बहुत शोहरत है और इसकी बहुत तारीफ़ की गई है। बाबची का तेल निकलवाएं और रोज़ाना दागों पे लगाएं, बल्कि दागों पे लगाने के लिए सरसों का तेल आप लें और उसमें सिर्फ 10% बाबची का तेल आप मिला लें, और ये आपने तेल लगाना है दागों पर, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। और इसी तेल के 2 कतरे आप दूध में डालकर पी भी सकते हैं, या जी चीनी पे डालकर भी पी सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम पी सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, जैसे उकमा हज़रात करते हैं कि कूजा गली में डालकर बाबची को पताल जंतर के ज़रिए तेल कशीद करते हैं, तो इसके भी खाने और लगाने का तरीका वही है जो मैंने पहले बताया। आगे चलकर मैं आपको एक स्पेशल नुस्खा आपको बताऊँगा जो बहुत ऑथेंटिकेटेड है और बड़े लोग उससे ठीक हुए हैं। तो खुराक के साथ आप विटामिन बी भी इस्तेमाल करें, विटामिन सी या सी वाले फल जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, मसलन लेमन वगैरह, माल्टा संतरा वगैरह, खट्टी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। इसी तरह ड्रिंक भी जो खट्टे हों वो ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल ना करें, जिनमें साइट्रस हो या सिट्रास हो। बाबची जो है वो थोड़ी तेज़ जड़ी बूटी है, अगर बाबची शुद्ध कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शुद्ध का मतलब होता है यानी कि उसकी सलाह कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसको इस्लाह करने का तरीका यह है कि अदरक के पानी में उसको भगो दें और फिर खुश कर लें, तो ये शुद्ध हो जाएगी, यानी कि 24 घंटे वो भगो ही रहे अदरक के पानी में, फिर उसको आप खुश कर लें तो ये इसकी इस्लाह हो जाती है। आगे भी मैं एक वीडियो फुलबेरी या सफ़ेद दागों पर मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैंने होम्योपैथिक की अद्वियात बनाई थी, और आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 18 साल से ऊपर लोग जो है इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए अद्वियात के लिहाज से मेरे नुक्ता नज़र से होम्योपैथिक की अद्वियात बेहतरीन है, और जो सबका मैंने वीडियो बनाई है वो आप देख लें, उसमें होम्योपैथिक की अद्वियात है। तो मुझे यानी कि 15 साल 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वो होम्योपैथिक का वो मैंने बहुत अच्छा नुस्खा बताया था जो कि रिज़ल्ट वाला है। तो आज के नुस्खे की तरफ आते हैं जिसे सैकड़ों हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है। ये मेरे एक दोस्त हैं जो कि डिफेंस के एक स्पेशल अदारे में कियानी साहब हैं, वो खिदमात से सारा अंजाम दे रहे हैं। तो उनके आँख के नीचे एक सफ़ेद दाग हुआ करता था, तो एक दिन मेरे पास आए तो मैंने पूछा जी वो आपका सफ़ेद दाग आजकल नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये कैसे मुमकिन हो गया, तो उन्होंने मुझे बताया
कि मैंने कोई नुस्खा इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने कहा अगर आप चाहें तो मैं आपको दे देता हूँ नुस्खा, आप लोगों को भी बताएं, शेयर करें ताकि सवाब हो। तो उन्होंने बड़े खलूस के साथ ये नुस्खा मुझे बताया और साथ ये भी ताकीद की कि आप लोगों को बताएं ताकि लोगों की दुआएं जो है वो हमारे शामिल हाल रहें। तो उन्हें पता है कि मैं वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ इकमत की और उम्मीद बैठे की, अक्सर ये है कि चलें अभी फिर नुस्खे की तरफ आते हैं जल्दी से ताकि आपको आप इंतज़ार कर रहे होंगे। हुवा शफी यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात है शफा देने वाली। चिरायता 100 ग्राम, तुखमे पनवाड़ 100 ग्राम, बाबची 100 ग्राम, चासकू 100 ग्राम। इन सब को कूट लें, पहले तो ये मटीरियल से साफ़ करें ना छाननी में, उसके बाद फिर इनको अच्छी तरह कूट लें। बस बहुत पाउडर भरीक बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस कूट लें। तो एक चम्मच रात को मट्टी के प्याला में पानी में भुगो दें और सुबह निहार में मुँह पी लें। पहले आप थोड़ी सी शुरू करें, फिर करते करते आप एक छोटी टीस्पून बराबर तक ले जाएं। पहले दिन आप एक चुटकी खाएं, दूसरे दिन दो चुटकी, करते करते फिर एक चम्मच तक ले जाएं। तो कैनी साहब ने मुझे बताया कि मैंने ये नुस्खा 6 महीने इस्तेमाल किया और ये मेरा दाग जो है ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। तो मैंने पूछा जी आपने लगाया गया, उन्होंने कहा मैं एक क्रीम लगाता रहा हूँ। तो वो क्रीम इतफाकन उस वक्त उनकी पकड़ में थी, मैंने कहा जी दिखाएँ। तो उन्होंने जब दिखाई तो वो थी क्लोबीवेट क्रीम, ये आम स्टोर से मिल जाती है। तो गलबन वो लगाते रहे तो उससे उनका दाग भी मुकम्मल ठीक हो गया, खाने वाली दवाई से भी और लगाने वाली दवाई से दोनों ने। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा हुआ होगा। आप मुझे और कैनी साहब को भी अपनी दुआओं में याद रखिए, जो भी अगर आज ठीक हो जाए वो बिल्कुल दुआएँ करें, तो इंशाल्लाह इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। तो अदरक के पानी में बापसी जो है वो मैंने बताया था कि शुद्ध कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वैसे कैनी साहब ने बगैर शुद्ध किए हुए इस्तेमाल की थी अपने उस नुस्खे में। तो अदरक के पानी में डुबोकर खुश करना कौन सा मुश्किल बात है, इससे ही होता है कि उस दवाई की तेज़ी में थोड़ी कमी आ जाएगी, वो मुसफ़ा हो जाएगी यानी कि साफ़ हो जाएगी। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला साहब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। और उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उन्हें या उनकी फैमिली में कोई बंदा हो तो उनको भी वो फ़ायदा हो। और डॉक्टर हकीम काजी फ़ारूक सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद।